अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और प्रधान जी सहेलियों। दो मैच हारने के बाद फाइनली एक मैच जीत गए हमारे डेविड भाई, हमारे साथ आगे ठहरे हुए। अब इस मौके पे तो अपन उनसे बात करेंगे। और डेविड भाई खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे है क्या मुस्कुरा रहे डेविड भाई, देखे मैच जीतते की खुशी अलग ही रहती भाई। क्या बेहतरीन मैच था भैया, क्रेडिट किसको देंगे आप इसका? इसका पूरा क्रेडिट हमारे बॉलरों को दूंगा मैं। बहुत प्यारी बॉलिंग करे उन लोगों ने, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में समझा दिया था मैं उन लोगों को कि भाई देखो, या तो बॉल छुटा तो विकेट पे लगना है, छोटे विकेट पे लगना, ऐसी बेहतरीन बॉलिंग करना, खाली अगल में का टप्पा पड़ना। मगर एक बॉलर स्पेशल था भैया तुम्हारी टीम में आज, राशिद खान। जैसा डबल करते में बाबा चीता दाढ़ में दबाते ना, वैसी 3 विकेट हल्लू दाढ़ में दबा ले के ना, आवाज़ करे ना पुकारा करे, खामोश मैन ऑफ द मैच लेते हुए चल दिए। अरे राशिद भाई ग्रेट आदमी है भाई, लेजेंड आदमी हो ना, मगर क्या है वो तो कभी कभी लेजेंडों की भी फूट जाती, तो इस लिहाज से मैं राशिद भाई को पहले समझा दिया था, राशिद भाई अच्छी बॉलिंग करो, ये मैच अपने को कैसा भी जीतना है, पहले के 2 मैच हारे हुए अपन, नहीं तो क्या करो, ये मैच में मार खाए तो सीधा मीटर का ऑटो डाल लेके अफगानिस्तान चले जाओ तुम बोल को। अरे क्या बात है डेविड भाई, ग्रेट कैप्टनसी, ऐसे डर में रखो प्लेयरों को पूरे तुम। मगर क्या है, केन अन्ना से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तुम्हारा? कॉम्प्रोमाइज़ हो गया बोल के आज मैच खेले ना आ रहे हो केन अन्ना भाई, ने तो कहाँ बैगन खेल रहे थे, मगर फिर भी लड़ाई हो जाने वाली थी हम लोगों की, कॉम्प्रोमाइज़ करते वक्त मैं गया भाई, घड़ी वड़ी दिया उनको गिफ्ट में, लो भाई कॉम्प्रोमाइज़ बोलते, उन्होंने भी रिटर्न गिफ्ट में मेरे को जो है ना मेकअप किट दे रहे। मैं बोला अरे ये क्या यार, औरतों का जनाना आइटम कहीं को दे रहे मेरे को, वो तो क्या बोल रहे, तू टिकटॉकर है ना रे, टिकटॉक पर वीडियो बना रहा ना, तेरे काम में आता, ले मेकअप किट रख ले बोल के बोल, फिर गए थे मेरे रीला में, वहीं मार देंगे सुनचा था केन अन्ना भाई को। मगर जान दो भाई अपने को क्या है, मैच हारे हुए अपन मैच जीतना बोल के कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हूँ। मगर एक बात तो सही बोले केन अन्ना भाई, जब से तुम टिकटॉकर बन गए पूरी इफ्लासी लपट ली तुम्हारा, इंग्लैंड की सीरीज में भी सुक्का, यहाँ पे भी सुक्का, क्रिकेटरों के बिपाशा खान बने हुए तुम, खाली एक काएं खा जा, जिम को नहीं जा रहे, क्या बोलना बाकी है? अरे नहीं अव्वा सुल्ली का बिपाशा बिपाशा किसको बोल रहा, मार के डिच्चा सिर खोलो बोल रहा क्या? आज भी भाई जिम को जाके जो ना स्टैंड में के पूरे डंबल एक थैले में डाल के भाई साहब मारते समझो, तो मेरे बच्चियों को टिकटॉक पसंद है बोल के आ मैं टिकटॉक पे, अपने को भी जो क्या है वो तो अल्लू अर्जुन के फिल्म आ देखते ना अपन कंट्री डांसर्स का, तो भुट्टा बम्मा पे अपन डांस वैंस कर लेते, उसके हिसाब से जो है ना थोड़ा बहुत कर लेते टिकटॉक पे, वो भी लॉकडाउन में। अब आ गया ना शेर ग्राउंड में, अब देखो कैसा मौत डालता, खाली जो है ना कनपट्टियाँ सुझा देना है बॉलरों के यहाँ से। अरे यारो डेढ़ हुए बैगन के बातें कब तक करते यारो, पिछले 3 मैचों से ये बोल रहे तुम बॉलरों के जो है ना कनपट्टियाँ सुझाना है बोल के, मगर तुम्हारे छल्ले जाम हो जा रहे हैं यहाँ बैटिंग करने के टाइम पे। अगला मैच सीएसके के साथ है, उन्हें भी 2 मैच हारे भी है, जीतने की फिराक में रहती, रायडू भी वापस आ रहे थे, वो भिलावा तो बहुत फिरा फिरा के मारता, अब ये मैच के जैसी बंदिशा लगा के जीतने वाले तुम, लाने थोड़ी बहुत मेहनत करके जो है अच्छा परफॉर्मेंस देंगे बैटिंग वैटिंग का। अरे बंदिशों का बोल के तू अच्छा याद दिला, मैं पब्लिक को बोलना चाह रहा हूँ ये मैच जो है ना पूरा जो है ना हम लोग हमारी मेहनत से जीते, ये बंदिशा अंदिशा पिच में कुछ भी नहीं गाड़े थे हम लोग। मैं गया था अमरुद्दीन बिल्लाले बामाशकूर का ने बंदिशा लाने के वास्ते, मगर बीच में जो है ना रस्ते में एक आदमी मिला था मेरे को, मैं क्या लेके जा रहे हैं मैं पूछा, मैं बोला ये बंदिशा है भाई पिच में गाड़ के मैच जीतना है हम लोगों को अगला बोल के बोल रहा था, तो एक कान भरी दे दिया ना मेरे को सीधा, अपने को भी भेजा फिर क्या था, मार देंगे सोचे मगर बड़े बुजुर्ग है बोल के खामोश बैठ गया मैं, क्या हुआ चिचा कहीं को मार रहे वो तो बोल रहे हो कि भाई ये बंदिशा अंदिशाओं से सक्सेस नहीं मिलता, सक्सेस देने वाला ऊपर वाला है, अपन को खाली मेहनत करना है, ये बंदिशा अंदिशों के चक्कर में नको जाओ, अपने बलबूते पे काम करो बोल के बोले। मेरे को यकीन नहीं आ रहा है डेढ़ भाई, चिच्चा भैरी मार दिए तो भी तुम खामोश बैठ गए बोल के, एक आध मार खाए तो कुछ भी नहीं होता, हम यहाँ बुजुर्गों का मार खा लेना, अपन लोग मियाँ भाया है बचपन से जो है अपन लोगों को बुजुर्गों की इज्जत करना सिखा, चाहे वो अपना रहने दो चाहे वो जो है ना पराया रहने दो, सबकी इज्जत करना, हर धर्म की इज्जत करना, हिंदू मुस्लिम पूरे मिलकर रहना, ये सिखाते अपने को, लड़ाई झगड़े नहीं करना। अब चिच्चा मारे तो कोई आया कोई बड़ा आदमी मारा तो अपने अच्छे के वास्ते मारता, कुछ सोच समझ के मारता, तो जो है ना बड़ों की इज्जत करो, बड़ों का लिहाज करो। क्या बात है डेविड भाई, बहुत प्यारा मैसेज आवाम को वीडियो के जरिए, अपनी हर वीडियो में अपन एक मैसेज देते हैं आवाम को, अगर गौर से समझे तो लोग समझ में आता हो, खाली लोन पाने के वास्ते वीडियोस नहीं बना रहे, थोड़े बहुत अच्छे मैसेज भी देते हैं हम वीडियो के जरिए, तो ऐसी हम वीडियोस बनाते रहेंगे, आप लोग भी जो है ना देख के इतना पसंद कर रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, 50,000 के करीब है अपन लोग, अल्लाह हाफिज़।